नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा जहां मैंने लिखा है कि इस दीपावली आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, और ये हवाई बातें नहीं, शास्त्र प्रमाणित स्थिति से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। और इस कार्यक्रम को यदि आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, पिछली कई दीपावलियों से सर्वश्रेष्ठ दीपावली आपकी यह आने वाली दीपावली सिद्ध होगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए आपके सामने बोर्ड पर एक कुंडली बनी हुई है, और इस कुंडली में आपको चार ग्रह दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? देव गुरु बृहस्पति, राहु महाराज, शनि देव और केतु देव। ये आपकी कुंडली के वो चार ग्रह हैं जो आपके जीवन को 80% तक रूल करते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बहुत अच्छी गतिविधि देखने को मिल रही है, तो 80% की गतिविधि इन चार ग्रहों के हाथ में होती है। किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक लगातार हर दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें भी 80% तक की स्थिति इन चार ग्रहों के हाथ में होती है। बाकी बचे ग्रह छोटी छोटी अवधि के लिए आते हैं, कुछ आपके लिए अच्छा कर जाते हैं, कुछ बुरा कर जाते हैं, उसका विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं देखने को मिलता। किंतु जो व्यक्ति को जमीन से आसमान तक और आसमान से जमीन तक का सफर कराते हैं, वो ये कुंडली के चार ग्रह हैं। और ये चार ग्रह इस दीपावली से पहले आपको देने जा रहे हैं एक गुप्त संकेत, और वही संकेत से आपको अवगत कराने जा रहा हूं आज के इस कार्यक्रम में। पहली स्थिति में हम चर्चा करेंगे आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की। धनु राशि धनु लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लग्नेश होते हैं, एक तरीके से कुंडली के सीएम होते हैं। इनके पास दो घर हैं, आपका लग्न भाव, आपके सुखों का भाव, और वर्तमान समय में ये आपके पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। इस स्थिति के आधार पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत शुद्ध फल देने की बाध्यता रखते हैं और देना भी चाह रहे हैं, किंतु सत्यता यह है कि दे नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और आपके लग्नेश हैं, किंतु जब कोई बहुत सात्विक व्यक्ति के पास आकर कोई क्रूर पापी व्यक्ति बैठ जाए, तो ये कहीं ना कहीं खुलकर अपना कार्य नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव में आने के पश्चात भी वो रिजल्ट नहीं दे पाए हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जो देवगुरु देने की बाध्यता रखते हैं। किंतु 30 अक्टूबर को, दीपावली से पहले 30 अक्टूबर को, जैसे ही राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति से अपनी दूरी बनाएंगे, स्थानांतरण कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहां से देवगुरु बृहस्पति आपको वो देने जा रहे हैं जो शायद आपने सपने में भी ना सोचा हो। आकस्मिक लाभ के भंडार खोल देंगे, विद्यार्थियों को श्रेष्ठ सफलता का लाभ देंगे, इसी के साथ में पेट से संबंधित समस्याओं की स्थिति को दूर करेंगे। अपनी बुद्धिमता चातुर्यमता के दम पर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, इस प्रकार का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपके लिए क्रिएट करेंगे। जिन दंपत्ति के पास में संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति का योग बालक रत्न या कन्या रत्न की स्थिति का श्रेष्ठ अवसर देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। जो माता पिता अपने संतान की विद्या से, करियर से, भविष्य से चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, उनकी चिंता को मुक्त करने जा रहे हैं। जिस संतान को लेकर आप चिंता ले रहे थे, वही संतान अब आपको गौरवान्वित करने वाली है। यहां से देवगुरु बृहस्पति जब शुद्ध होंगे तो भाग्य का परिपूर्णता से साथ जोड़ देंगे। पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे वो समाप्त करेंगे। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों में बेहद सुंदर लाभ देने जा रहे हैं। जो पिछले लंबे समय से राहु महाराज आपकी मनोरथों को पूर्ण होने ही नहीं दे रहे थे, आपकी डिजायर्स को पूर्ण होने ही नहीं दे रहे थे, उन स्थितियों से आपको मुक्त करते हुए बड़ी बड़ी मनोकामनाएं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पूर्ण करेंगे। और लग्न पर दृष्टि देकर आपके व्यक्तित्व को ज्ञान स्वरूपी मूर्ति बनाते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं।
और साथ में ही किसके कारक हैं, तो यश मान प्रतिष्ठा के, आपकी ज्ञान दक्षता के दम पर आप समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में ज्ञान दक्षता के दम पर यश मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, ऐसा आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। दूसरी स्थिति पर हम चर्चा करेंगे, दूसरा ग्रह क्या गुप्त संकेत दे रहा है, तो वो है शनि महाराज। शनि देव आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, किंतु मैं अपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में बता चुका हूं कि जब ग्रह स्वराशिष्ट हो जाता है, ये आपके लिए बेहद अच्छे लाभ देने को बाध्य हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई ग्रह अपने घर को खराब कभी भी नहीं करता। पिछले लंबे समय से शनि महाराज 17 जनवरी को ही पराक्रम भाव में आ चुके थे, उसके पश्चात इनके पास डिग्री नहीं थी और अभी वर्तमान समय में ये वक्र गति में चल रहे हैं, किंतु 4 नवंबर को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे दीपावली से पहले। 4 नवंबर को ये जब वक्री से मार्गी होंगे, पराक्रम भाव के स्वामी होकर पराक्रम में आना और न्यायमूर्ति कहा जाता है शनि महाराज को। आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी उसमें भाग्य का साथ देवगुरु बृहस्पति जोड़ देंगे और मेहनत के रिजल्ट देने की बाध्यता लेने जा रहे हैं शनि महाराज। जो आप कर्म करोगे, क्योंकि ये कर्म प्रदाता देव हैं, ये न्याय प्रदाता देव हैं, आपके कर्म का रिजल्ट देने की बाध्यता शनि महाराज आपके लिए ले लेंगे, क्योंकि स्वराशिष्ट होकर बैठे हैं और पूरे 30 वर्ष पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि में इनका प्रवेश हुआ है। ये बहुत अच्छा योग आपके लिए माना जाएगा, निसंकोच, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि इनको मेहनत आपको बहुत अधिक करवानी है, किंतु मेहनत करने को हर व्यक्ति तैयार है, बशर्ते व्यक्ति को उसका रिजल्ट आ जाए। हताशा तब व्यक्ति को निराशाजनक स्थिति बनती है कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप निरंतर मेहनत करते आ रहे हैं और फिर जब रिजल्ट की बात आती है तो वो आपके सामने निकल कर नहीं आ पा रहा, किंतु अब शनि महाराज 4 नवंबर से बाध्य हो रहे हैं आपको रिजल्ट देने की। अब ये वो दो ग्रह हैं जो पूर्ण तरीके से बाध्यता ले रहे हैं इस दीपावली को आपके जीवन में बहुत विशेष बनाने की। राहु महाराज और केतु महाराज की स्थिति आपके लिए क्या संकेत दे रही है, तो निसंकोच, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि जब राहु महाराज पंचम भाव को छोड़ेंगे, केतु महाराज आपके एकादश भाव को छोड़ेंगे, तो आकस्मिक लाभ की स्थितियां, भाग्य का साथ आय में वृद्धि और व्यक्तित्व की स्थितियां मजबूत होंगी। इधर से केतु महाराज हटेंगे, बड़ी बड़ी डिजायर्स पूर्ण होंगी, मेहनत के रिजल्ट मिलेंगे, सडन ऑफ बेनिफिट्स होंगे, इवन जो लॉस हो चुके हैं आपको किसी भी कारणवश वो भी रिकवरी होते हुए पाए जाएंगे, दांपत्य जीवन और दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। किंतु अब हमें दूसरे पाठ को भी जानना जरूरी है। जब 30 अक्टूबर को राहु महाराज आपके कर्म भाव में आ जाएंगे और राहु महाराज आपके भौतिक सुखों के स्थान पर आ जाएंगे और केतु महाराज आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, इस स्थिति के पश्चात केतु महाराज की स्थिति यहां आपके लिए अच्छी होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, और बुध और केतु आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। ऐसी स्थिति में केतु अपनी मित्रवत व्यवहार को निभाते हुए आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों को अच्छा करेंगे, किंतु सावधानी कहां बरतनी है, तो सावधानी बरतनी है चतुर्थ ग्रह से संबंधित। आपके माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकते हैं, जनता में आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाह रहे हैं और उसका कोई भी प्रयोजन करते हो तो सावधानी पूर्वक, अन्यथा ये आपके साथ में छल कपट कर सकते हैं। आपने किसी को साई दे दी, पता पड़ा वो घर ही उसका नहीं था या वो घर 2 जनों को पहले ही बेचा जा चुका है, तो इन सावधानियों का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी में छोटा मोटा भाई बंधुओं के अंदर विवादास्पद स्थिति को क्रिएट कर सकते हैं, इसमें भी आपको सावधानी बरतनी है। जनता में आपके सामने ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको शॉर्टकट के रास्ते दिखाने का प्रयास करें, इस जगह इन्वेस्ट कर दो, बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, ये कार्य हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, बहुत अच्छी सफलता का योग प्राप्त कर लेंगे। कोई भी, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा बहुत सारे हो जाएंगे, कोई भी ऐसा कार्य जो आपको शॉर्टकट के रास्ते लेकर जाने की स्थिति बनाए,
आपको लालच देने की स्थिति की अवस्था को दर्शाए तो तुरंत रूप से समझ जाइएगा कि राहु घेरने का प्रयास कर रहा है, और इस घेराव से यदि आप बच गए तो देवगुरु बृहस्पति बेहद सुंदर अवस्था के अंदर आपको लाभ देंगे, शनि महाराज आपको मेहनत के रिजल्ट देंगे, और शनि महाराज के सामने शॉर्टकट नहीं चलता, ये लॉन्ग टर्म में ही व्यक्ति को इतना पुष्ट कर देते हैं कि व्यक्ति को संभाले नहीं संभलता धन। और वहीं देवगुरु बृहस्पति दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो राहु के जंजाल से मुक्त रहिएगा, क्योंकि पिछले 18 महीने आपने राहु के जंजाल में ही फंसकर निकाले, किंतु इस बार राहु के जंजाल में अगर आप नहीं फंसे तो मैं फिर से कह रहा हूं, इस दीपावली को पिछली कई दीपावलियों से यादगार सिद्ध करेंगे देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।